देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। खबर सामने आई है फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड से, जहां बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खा रहे लोगों पर हमला कर दिया गया। दिखाई दे रहा ये नजारा है नीलम बाटा रोड का, जहां पर आज दो युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। चलिए सुनते हैं बिरयानी विक्रेता का इस पूरे मामले, इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना। तो मेरी दुकान है अपनी, डेली आते हैं भैया, हाँ। बिरयानी खाने के लिए डेली आते हैं और इसी तरह आज भी बिरयानी खाने के लिए, हाँ। तो अपना भैया ने पहले बिरयानी लगाई मेरे से, हाँ। तो मैंने भैया डालू सामान सब डाल देते, अंदर बोलते नहीं नहीं ऐसी बेमरी, हाँ। आज मैं बिरयानी भैया ने खाई, हाँ। तो मैं ऐसे भैया सिलेंडर जो मेरा दुकान पे, हाँ। तो मोल्टर शर्ट ऐसे बैठा पड़ा था भैया, हाँ। हल्की सी बाइक की रुकने की सवाद है हुई, हाँ। तो मैंने देखो शायद मेरे कस्टमर है, हाँ। ऐसे देखो तो भैया भैया से आए, हाँ। उन्होंने निकाला और जो भैया बैठे थे उनको ऑन द स्पॉट उन्होंने भैया पे चला दिया। कितने आदमी आए थे? भैया एक ही थे भैया, एक आए की देखा। गोली चलते ही अपनी जान बचाकर भाग निकले, इसीलिए इन्हें पूरी जानकारी नहीं है। घायल युवकों के नाम मुस्ताक और मुबारक बताए गए हैं, जो अस्पताल में गंभीर अवस्था में उपचाराधीन है। पुलिस जांच अधिकारी का इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। बता रहे हैं कि 10-20 के करीब दो नौजवान लड़के बैठे बिरयानी खा रहे थे कि मोटरसाइकिल आई और उन दोनों को गोली मार दी। अभी तो उनको एडमिट कराया है, देखते हैं क्या मामला है, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई तो कारण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।